अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मोमना साजिद और आप देख रहे हैं हम आवाज नेटवर्क। नाजरीन, यहां पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। महकमा और ठेकेदार की मिलीभगत से हुकूमत की अवामी फलाह के लिए बनाए गए मंसूबे की लाखों रुपए जाया, गटर बंद, गलियां पानी का जौहर बन गई, अहल मोहल्ला फट पड़े, जिला यूनिट अमला टरखाने लगा, एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को खतरा लाहिक, हाई स्कूल गर्ल्स का मेन गेट भी मुतासर, आधा इस्लाम नगर दरिया खान सैवरेज लाइन के पानी में डूब गया। मोहल्ला इस्लाम नगर दरिया खान में हुकूमत पंजाब के लाखों रुपए की लागत से सैवरेज लाइन बिछाई गई, जिसमें ठेकेदार और मुतालिका महकमे की मिली भगत से कवायद जवाबित से हटकर पाइप डाले गए, जिसके साइज छोटे हैं। चंद दिन बाद ही ये गटर लाइन बंद होगी, जिससे घरों का पानी मकानों के अंदर जमा है और गलियां पानी के जौहर बन गई हैं, जिससे जनाजे भी इस गंदे पानी से गुजारने पड़ रहे हैं। मोहल्ला इस्लाम नगर में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी जख्मे आई हुई है, दीवार के साथ स्कूल इंतजामिया ने मिट्टी गिराई जो बह रही है, गर्ल्स हाई स्कूल का मेन गेट भी मुतासर हो रहा है। अहले मोहल्ला अरसा से शदीद एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन सरकारी दायरे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।